प्रदेश में कोरोना के रोकथाम के लिए जन अनुशासन पखवाड़े को बढ़ाया गया है। लोग मान नहीं रहे हैं, जिसके कारण उदयपुर के गोगुंदा में आज हुआ कोरोना का सबसे बड़ा ब्लास्ट। दरअसल क्षेत्र में आज 108 नए संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को 115 लोगों की सैंपलिंग हुई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओपी रायपुरिया ने यह जानकारी दी है। उपखंड क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र से सैकड़ों की संख्या में प्रवासी आ रहे हैं। शादियों के सीजन होने से भी कोई प्रवासी होम क्वारंटीन नहीं हो रहा है और ऐसे में क्षेत्र में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। गोगुंदा में सबसे बड़ा कोरोना का विस्फोट हुआ है। 108 नए संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि 115 लोगों की सैंपलिंग ली गई थी शुक्रवार को, जिसमें से 108 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उदयपुर से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता धीरज। धीरज, जिस तरीके से गोगुंदा में आज कोरोना का सबसे बड़ा ब्लास्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि लोग अभी तक नहीं सुधर रहे हैं, जो प्रदेश में हालात हैं उसे नहीं समझ रहे हैं और लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लगातार कोरोना का ब्लास्ट हो रहा है। उदयपुर जिले में अभी सबसे बड़ी खबर ये है कि गोगुंदा के अंदर 115 लोगों की जांच कराई गई थी, उसके अंदर से 108 लोग जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। हम सुबह से ही बात कर रहे थे, उसमें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि लगातार उदयपुर शहर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की मैंने सुबह भी बताया था कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अब लगातार कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। उसका एक जीता जाता अभी जो सामने आंकड़ा आया है, 108 लोग पॉजिटिव आए हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि 115 लोगों की जांच के अंदर 108 लोग पॉजिटिव आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेहद चिंता का विषय जरूर है। लगातार उदयपुर कलेक्टर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाही जो है, बाहर से आने वाले जो लोग हैं, प्रवासी जो लोग हैं, वो गुजरात और मुंबई क्षेत्र से रहने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं, वो अपने घर की ओर लौट रहे हैं और उन्हीं के कारण से साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो देखी जा रही है। यह एक घातक जरूर हो सकती है, लेकिन लोगों को अब समझना होगा, लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, तभी हालात सुधर पाएंगे। जो बेकाबू होते जा रहे हैं हालात, उनको सुधारने के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। लगातार हम सुबह से ही ग्राउंड जीरो लेवल की बात कर रहे थे। अभी की उदयपुर के हाल की जो बात की जाए तो यहाँ पर महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अंदर करीब करीब पूरी विंगे जो हैं, भवने हैं, वो यहाँ पर कोविड सेंटर बना दी गई है। सिर्फ दो भवन को छोड़कर यहाँ पर सभी को कोविड सेंटर बना दिया गया है। डॉक्टर सुमन जी ने बताया कि यहाँ पर जो है उदयपुर शहर के अंदर करीब 4000 गैस सिलेंडर की खपत रोज हो रही है। यहाँ पर दो ऑक्सीजन प्लांट है, जिनके अंदर 3000 सिलेंडर जो है ऑक्सीजन के, वो यहाँ पर भरपाई कर रहे हैं। बाकी के 1000 सिलेंडर बाहर से मंगाए जा रहा है। साफ तौर पर ऑक्सीजन की कमी उदयपुर में देखी जा रही है। वहीं निजी अस्पतालों की अगर बात करूँ तो सभी के यहाँ पर बेड पूरी तरह से भरे हुए हैं। जी बिल्कुल धीरज, कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन और सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जनता कब जागरूक होगी। अगर ऐसी स्थिति प्रदेश में बनी रही तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्द हम कोरोना की चेन को तोड़ पाने में कामयाब हो पाएंगे। चलिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए।